पुणे के डॉक्टर बलवंत घाट पांडे की उम्र 102 साल है। बीते 76 साल से वे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह अब रिटायर हो चुके हैं, फिर भी अपने काम को अभी तक नहीं छोड़ा है। वह आज भी हर दिन 30 से 35 मरीज देखते हैं। वो कहते हैं, मेरी मौत आने तक मैं दवाओं का अभ्यास करना जारी रखना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे डिस्पेंसरी में काम करते समय मौत आए। वह आज भी मरीजों का केवल 30 रुपए में इलाज करते हैं। खास बात यह है कि मरीज से फीस के रूप में मिलने वाले पैसों को डॉक्टर घाट पांडे अपने पास नहीं रखते। वे इस राशि को जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। घाट पांडे कहते हैं, मुझे इस पेशे से प्रतिष्ठा से पैसे और लोगों की सद्भावना से सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं अनुशासित जीवन जीता हूँ। फिट रहने के लिए 40 मिनट व्यायाम करता हूँ। उम्र 102 साल होने के बाद भी मुझे डायबिटीज नहीं है। उन्होंने बताया कि हम 3 भाई 1 बहन थे। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। मैं 7वां क्लास तक नासिक के गांव में पढ़ा, फिर आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गया। पैसे की कमी के चलते दिन में दुकान में काम करता था और रात में पढ़ाई करता था। उन्होंने बताया कि 1941 में मैं सतारा जिले में सरकारी मेडिकल अधिकारी बन गया। यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरे मरीजों में कई तो ऐसे होते हैं जिनके दादा या पिताजी का मैंने इलाज किया था 80 साल पहले, और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर है। लिहाजा मैं मेडिसिन से जुड़ी किताबें पढ़कर खुद को अपडेट रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।